नमस्कार, पहले तो आप सभी के लिए पहले जोरदार ताली होते हैं, बताए क्यों? नहीं नहीं पहले सुनो फिर बजने बजाओ, उसमें कुछ दम नहीं है। संडे के दिन जब मैं जॉब करती थी तो मुझे लगता था कि संडे के दिन मेरा दिन है, उस दिन मैं मेरे मन का करूंगी। तो जॉब करने वाले कुछ लोग होंगे यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ, तो संडे के दिन लगता है ना संडे मेरा दिन है, तो मुझे जो चाहे मैं वही करूंगी, सही ना? वैसे ही मैं भी जॉब करती थी तो मैं वही सोचती थी, लेकिन हम लोगों ने आज कन्वेंशन के लिए सर बहुत जान डाली भी और बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भी किया, लेकिन उनमें से कुछ लोग आज आए हैं तो वो लोग सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ तक पहुंचे हो। तो उनके लिए जोरदार, आप खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा नाम अश्विनी गुरव है, बेसिकली मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और इस बिजनेस में आने से पहले मैं कुकिंग का जॉब करती थी। तो वहाँ पे कुकिंग का जॉब करते करते उसी टाइम पे मुझे अरविंद सर जो और कुसुम मैडम जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये बिजनेस का मौका दिया, तो उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जुड़ी कोविड में थी, तो तब उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं होता था, उस टाइम पे कुछ नहीं, कुछ ऐसे ऑफलाइन कुछ नहीं होता था, सब ऑनलाइन ही सर हमारा ट्रेनिंग लेते थे। तो वहां से सीख के आज यहाँ तक पहुंची हूँ, और बहुत आगे बढ़ना है मुझे सर। मुश्किलें भी बहुत आई है क्योंकि गोवा में रह के मुझे लगा मेरे लोग मेरे से जुड़ेंगे, इसलिए मैंने सांगली में पहला पैर डाला, तो वहां से कुछ लोग जुड़े, मेरी बहनें ही है वो, लेकिन जुड़े और आज तक टिके रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज मेरे सांगली टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों के, बहुत दूर से आते हैं वो लोग हमें, थैंक यू सो मच। तो वहां से स्टार्ट तो किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जैसे हम लोग आते हैं सब कुछ हमें लगता है हाँ ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा, लेकिन होता वैसा नहीं है। और वहां पे टीम होने की वजह से मुझे दिन रात में ही निकलना पड़ता था। पहले 2 साल मैंने जॉब करते करते इस बिजनेस को किया है, तो बट अभी एक इस साल में मैंने सीरियसली इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया और जॉब छोड़ दी है। और जब मैं जॉब करती थी तो मेरा इनकम सैलरी मुझे 20,000 सैलरी था, और अचानक मैंने पूरा इनकम बंद कर दिया, पूरा काम बंद कर दिया, और सिर्फ मेरा घर, अगर मेरा खुद का खर्चा भी चलता है तो वो भी एमआई लाइफस्टाइल के पैसों से ही चलता है। और मैंने मेरे घर के लोगों को भी कमिटमेंट किया है कि आज उनके पास मैं नहीं होती हूँ, ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि सांगली और एक जगह पे मेरा टीम बना है, वो है होंडा में, साकरी में, तो मैं वहां दोनों जगह पे होती हूँ। तो उनको मेरा कमिटमेंट आज मैं इस स्टेज पे लेना चाहती हूँ। आज मेरे बच्चे खुद का यूनिफॉर्म धो के इस्त्री करके डालते हैं, मेरे हस्बैंड खाना बना के उनको खिलाते हैं, लेकिन जल्द ही वो दिन आएगा उनकी लाइफ में कि वो सब कुछ उनके हाथ में देने के लिए कोई ना कोई रहेगा। इतना पैसा मैं यहाँ से कमाऊंगी, यही मेरा विजन है, और इसीलिए मैं दिन और रात भी नहीं देखती हूँ, कोई भी मुझे कहीं भी बुलाए मैडम वन टू वन करना है आप आ जाओ तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे सिर्फ मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे दिखाई देते हैं जो मेरा घर पे वेट करते रहते हैं, लेकिन मेरे हमेशा मेरे आंखों के सामने रहते हो, और मेरे हस्बैंड जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, पहले से उन्होंने सपोर्ट किया है इस बिजनेस को। मैं घर आती हूँ बोलती हूँ खाना मेरे लिए बनाओ बोलती हूँ, और मैं घर भी नहीं जाती हूँ, फिर भी वो लोग परेशान नहीं होते हैं, बना के रखते हैं, खुद खा के सो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सच में मैं बदलूंगी ये जिंदगी इसी प्लेटफॉर्म से, ये मुझे अभी विश्वास आया है, 2 साल पहले मुझे ये विश्वास नहीं था। तो ये विश्वास लाने के लिए और ये बिजनेस करने के लिए जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वो है हमारे एसटीसी हनुमंत पेडनेकर सर, और हमारे टीफा के फाउंडर आईटीसी सचिन रायकर सर के लिए जोरदार तालियों का थैंक यू सो मच। वो अगर हर वक्त हमें यहाँ पे ना एक एक कुछ ना कुछ जैसे कहीं पे गए प्लान बताने या कहीं दूर भी गए ना, तो हर वक्त सर आपकी बातें हमेशा मुझे याद रहती है, ऐसा होगा ये स्टोरी रहेगी, पैसे नहीं होंगे आएंगे, बट उसके बस उसी विश्वास सर आप जब बोलते हो तो उसी पे विश्वास करके मैं आज ये बिजनेस कर रही हूँ, और आपने बोला था वो सच हुआ, पैसे आते हैं तो आना शुरू हुआ है, और अभी इससे आगे भी मैं करती रहूंगी इस बिजनेस को। तो मेरी टीम के लिए टीम को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ ये नहीं ये करना है, तो वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, करते हैं हम लोग। और हमारे टीफाई सपोर्ट सिस्टम के जो हमारे ऑनलाइन ट्रेनर जो है उनको भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं सिखाते ऑनलाइन भी तो यहाँ से मेरा सांगली का टीम तो बिल्डअप होता ही नहीं था।
तो उनके लिए थैंक यू सो मच। इतना ही बोल के मैं मेरा शेयरिंग खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।